दी, तेरा वाली जय माता दी, मेरा वाली जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए एक अच्छा इंसान बनने की। तो अभी मैं हूँ वैष्णो देवी के यहाँ, तो वैष्णो देवी का भी मैं नीचे हूँ, निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे डॉर्मेटरी मिल जाती है, बेड सिस्टम जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो अभी यहाँ से अभी 5:30 हो चुके हैं मॉर्निंग के, तो थोड़ा सा फ्रेश होके कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे वैष्णो देवी टेम्पल माता के दर्शन लेने के लिए, जो कुछ 5-6 घंटे के आसपास का रास्ता है। तो वहाँ पे रुकने का व्यवस्था है, लेकिन आपको वहाँ रुकने के लिए ऑनलाइन ही आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। जो तो अभी हम ये हमारे रूम से निकल रहे हैं और ये भाई जयपुर से है, तो अभी कुछ 5-6 घंटे का रास्ता है ऊपर चढ़ने का वैष्णो देवी टेम्पल के पास, तो चलते हैं फटाफट नीचे। तो आपको यहाँ से वैष्णो देवी टेम्पल जाने के लिए यात्री रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट लेनी पड़ती है, तो जो आपको नीचे से ही बस डिपो के पास पास मिल जाएगी। तो ये हमने हमारा यात्रा रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो ये अगर आप आते हैं यहाँ वैष्णो देवी तो आपको ये कराना ही पड़ेगा। आप पीछे वाले देखते हैं काउंटर है, तो अभी चलते हैं फटाफट आगे। घूमने थोड़े आए हो, कोई माता के निशाने नहीं बांटते किसी को। डॉर्मेटरी में मेरे साथ मिल गए थे अंकल जी, जो जो दिल्ली से है, और भाई आप कहाँ से? भाई जयपुर से है, जो हम लोग डॉर्मेटरी में मिल गए थे और साथ ही मिलके हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर के लिए यात्रा पर। तो वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक चूना रास्ता है आप देख सकते हैं ऊपर साइड है, और एक इस साइड देख रहे हैं नया रास्ता बना हुआ है। तो नए रास्ते में बहुत कम लोग जाते हैं, क्या बोलते हैं, नए रास्ते से बहुत कम लोग हैं, चूना रास्ते बहुत सारे लोग जाते हैं। तो हम लोग नए रास्ते से जाने वाले हैं, कि अंकल बहुत एक्सपर्ट है, बहुत दिन से यहाँ आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ का रास्ता फिर कैसा है, तो फिर चलते हैं आगे। प्यार से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, दिल से बोलो। तो वैष्णो देवी जाते वक्त बीच बीच में आपको बहुत सारे गार्डन मिल जाएंगे, लंगर मिल जाएगा खाना खाने के लिए, और आप देख सकते पीछे बाजू बहुत सारे गार्डन हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सुविधा के साथ बनाया हुआ है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात है, आप बिंदास आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। गोल्डन टेम्पल जैसे ही है ना अभी, ऐसा फ्री लंगर से नहीं बैठने की जगह देखो ना। हाँ बैठने की जगह एक अलग है, बैठने की जगह कुछ। हाँ यहाँ पे फ्री लंगर सेवा भी है, निशुल्क लंगर सेवा, निशुल्क। तो आप देख रहे हैं, तो टेस्ट करके देखते हैं गाजर का, वो टेस्टी होगी। जो लंगर में बैठा कर खिलाने की सुविधा बहुत अच्छी है। जय हो भगवान माता रानी, बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। वो लंगर खाने के बाद आपको ही अपने बर्तन को धोना है,
वहाँ साइड में बना हुआ है, धोने वीने का सब सामान है, सिर्फ आपको वहाँ जाकर अपने बर्तन धोने हैं बस। नए रास्ते पे आपको भीड़ थोड़ा कम मिलेगी और जो जूना रास्ता है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नए रास्ते के बारे में मालूम नहीं है, कमी लोग को मालूम, इसलिए यहाँ पे थोड़ा भीड़ हम आ गई है मालूम हाँ वीडियो से मालूम पड़ जाएगा। ये ओल्ड है, ओल्ड रास्ता नहीं है और ये फिर नया वाला रास्ता ये कर लो। तो ये ज्यादा एक जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मैंने नहीं सुना, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, तेरा वाली जय माता दी, मेरा वाली जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मैंने नहीं सुना, जय माता दी, तेरा वाली जय माता दी, मेरा वाली जय माता दी, 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 जय जय माता। तो यात्रा करते समय आपको हर सुविधा उपलब्ध है, आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, आप घोड़े से बैठ के आ सकते हैं, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार है उससे भी आ सकते हैं, और आपके छोटे बच्चों के लिए जो छोटा सा जो बच्चे को लेके आते हैं वो भी अवेलेबल है, तो बहुत ही व्यवस्था है यहाँ पे। ओके अच्छा, ये मिलना तो इम्पॉसिबल है। तो अभी हम माता के दर्शन करने नज़दीक पहुंच गए, तो इसके आगे मोबाइल वोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, सामान ही मान, तो अभी हम इसे लॉकर में जमा कर रहे हैं, फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर वीडियो बनाऊंगा। तो अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, हमने दर्शन कर लिया है, कैसे लग रहा है भाई? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, माता की कृपा हो गई, दर्शन हो गए अच्छी तरह एकदम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ के लिए, तो मैं पहले तो जा चुका हूँ इसके सीढ़ियों से, तो अभी हम लोग रोपवे से जाने वाले हैं। हाँ, तो अभी हम रोपवे से जाने वाले हैं, क्योंकि 2008 में मैं सीढ़ियों से जा चुका हूँ, तो रोपवे को मजा लेते हैं फिर चल के। तो अभी भैरवनाथ जाने के लिए आपको रोपवे से 100 रुपीज़ का चार्ज है। विष्णु माता टेम्पल हाँ, अरे तो टाइम है ना, ध्यान रखना इस बात का, हम तो मैं तो भूल ही गया था। हाँ, मैं समझ गया, 4 बजे तक ये ध्यान रखना। अरे आओ, सही बैठना नहीं, बैठना नहीं है, ये चक्कर है, आप तो काम ही करो। हाँ, फिल्टर बनाओ, लोग आ रहे हैं, सीन लगाएगा। रोपवे हम लोगों ने पकड़ लिया है भैरवनाथ बाबा जाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, 2-3 मिनट में तो पहुंचा देगा ये हम लोग को। तो जो रोपवे बना है बहुत बढ़िया है, आपका 1 घंटे के आसपास टाइम बच जाता है भैरवनाथ बाबा जाने के लिए, तो भैरवनाथ बाबा के दर्शन लेते हैं अभी। तो भैरव बाबा गए से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, आप ये देख सकते हैं वैष्णो देवी टेम्पल का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। तो आप जो 100 रुपीज़ पे करते हैं भैरवनाथ जाने का रोपवे का, वो आना जाने दोनों का है, तो 100 रुपीज़ में आप आ जा दोनों सकते हैं। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं, मिक्सर टेस्ट ले लेते तो माता जी का दर्शन करके हो गया है बहुत अच्छे से।
क्या बोलते हैं अंकल, मजा आया ना? बहुत आनंद आया, इतना आनंद आज तक नहीं आया। तो अभी फटाफट से नीचे उतरते हैं। तो वैष्णो माता टेंपल जाने के लिए 6 घंटे और आने के लिए 4 घंटे के आसपास लग जाते हैं। तो अभी मैं नीचे पहुंच चुका हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।